मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेनन की कब्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कब्र की साज सज्जा पर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि आखिर एक गुनहगार की कब्र को क्यों सजाया जा रहा है, जो शख्स सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, उसकी कब्र को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। भाजपा नेता राम कदम ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी जारी की है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट लिखा, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उस काल में मुंबई में पाकिस्तान के इशारे पर 1993 में बम कांड करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेनन की कब्र मजार में तब्दील हो गई है। उन्होंने आगे लिखा कि यही है इनका मुंबई से प्यार, यही है इनकी देशभक्ति। उद्धव ठाकरे समेत शरद पवार तथा राहुल गांधी मुंबई की जनता से माफी मांगे। आपको बता दें कि याकूब मेनन 1993 बम ब्लास्ट का दोषी था और उसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। राम कदम के सवाल उठाए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने कब्र से एलईडी हटवा दी है। इसके साथ ही राम कदम ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बम कांड करके हजारों लोगों की जान ले ली, क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, वो मुंबई में बम कांड कराए याकूब मेमन उसका आरोपी है, उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तो उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? उनके खामोशी के पीछे क्या राज था? क्या किसी आतंकवादी की कब्र को इस प्रकार से मजार बनाना उचित है? उद्धव ठाकरे समेत राहुल गांधी और शरद पवार जी को भी इस बात का जवाब देना होगा। आमतौर पर किसी कब्र की खुदाई 18 महीने बाद कर दी जाती है, लेकिन याकूब की कब्र की खुदाई 5 साल बाद भी नहीं हुई। याकूब की कब्र को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। याकूब के चचेरे भाई ने 2020 में एलटी मार्ग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि याकूब मेनन के कब्रगाह को 5 लाख रुपए में बेच दिया गया है। बता दें कि 12 मार्च 1993 को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर मुंबई में सीरियल बम धमाके किए गए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 लोग घायल हो गए थे। अब सवाल उठता है कि क्या कब्र पर मेनन के परिवार का अधिकार है? अगर नहीं है तो कब्र को वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।